अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। देश की राजधानी, हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली जल रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका का एक गोरा आया हुआ है ट्रंप, उसके साथ खुशियां मना रहा है, उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है और दूसरे देश से जितनी मोहब्बत इस आदमी ने जताई है, जितना खर्चा इसने उस पर किया है, अगर उसका 1% भी अगर ये मुसलमानों से मोहब्बत कर लेता और खुद के देश से मोहब्बत कर लेता और हिंदुस्तानियों से मोहब्बत कर लेता तो शायद आज ये दिल्ली राजधानी जल नहीं रही होती। और इसके पीछे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का ऐलान हुआ है और दिल्ली पुलिस को ये जो हिंसा है, ये जो हो रहा है, जो जलाया जा रहा है, जो मारा जा रहा है, जो गोलियां चल रही है, इसका अंदाजा, इसकी चेतावनी एक आदमी ने पहले ही दे दी थी। वो आदमी कौन है आप भी जानते हो और मैं भी दिखाता हूं। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, हैं? इसने 2 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी। खैर, अभी तो इनका ससरा गया भी नहीं है ट्रंप, और इन्होंने ये हरकतें दिल्ली में चालू कर दी। अब मैं प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं और हिंदुस्तान के मेरे सारे भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है, क्या यह जो कपिल मिश्रा ने ओपन चैलेंज करके होम मिनिस्ट्री से लेके पीएम से लेके सीएम से लेके सब चुप है और ये आदमी अभी भी बाहर है, जिसने इतना बड़ा देश का दंगा करवा दिया कि कई लोगों की जान चली गई, कई देश की संपत्ति को जला दिया गया है, कई औरतों को जख्मी कर दिया गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अमित शाह जी, अगर आप में थोड़ी सी भी, आप बोल रहा हूं मैं, थोड़ी भी शर्म है तो ये दिल्ली जो जल रहा है इसको तुरंत, ये गोरे को छोड़ो और दिल्ली को रोको। दिल्ली में आग फैलती जा रही है, फैलती जा रही है और फैलती जा रही है। मुझे पता है आप लोग क्या चाहते हो। आप 84 की तरह भाले, जय श्री राम, गले में ऑरेंज, वो आपने गुजरात का जो मंजर है वो आप दिल्ली में बनाने जा रहे हो। ये सब देखो, ये जो चुप बैठे हैं घरों के अंदर के, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। ये शहर में सिर्फ हमारा मकान नहीं है, तो ये जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो आप लोग देख तो रहे हो, लेकिन जब आपका घर जलेगा, आपकी गोदड़ी जलेगी, तो आपको पता चलेगा कि ये लोगों के साथ हो क्या रहा है। ये जुल्म हो रहा है और जुल्म की इंतहा हो रही है और पूरी दुनिया और पूरा भारत देश इसको सिर्फ देख रहा है और सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है। और इसके विरोधी जो लोग जो ये बोलते हैं कि ये सही हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जय श्री राम बोल के आप राम का नाम बदनाम करके आप ये सही कर रहे हो? और कपिल मिश्रा को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जिस तरह से ये टेरर फैलाया, या आतंक फैलाया है, इसके पीछे ये ओपन चैलेंज देके अब तो सब करने लगे हैं। मतलब आप क्या चाहते हो यही समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हो देश के लोगों? ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर करिए ताकि कपिल मिश्रा को सजा हो और जितने लोगों का नुकसान हुआ है, जितने लोगों को भारी मात्रा में तकलीफ हुई है, जो जाने गई है, इसका हिसाब अल्लाह ताला तो लेगा ही लेगा, लेकिन हम लोगों को भी इसका हिसाब लेना है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना, उनके लिए दुआ करना और सब
उनके साथ कभी भी वक्त आ सकता है खड़े होने का, हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला।